कौन? जब तुम दोनों अपना बेकार सा खेल खेल रहे थे, तब मैंने अपना नया दोस्त बनाया। इसका नाम है यूसुफ, इसे मैं ही देख सकता हूँ। बकवास बात है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम लोग जाओ, मैं यूसुफ के साथ खेल रहा हूँ। अरे मैथ्यू, अब चलो भी। चलो यूसुफ, हम खेले। हमें माफ करो, अब चलो। क्या चल रहा है बच्चों? फादर जॉन, गुड मॉर्निंग फादर। फादर, मैथ्यू गुस्सा है क्योंकि हम उसके साथ नहीं खेल रहे थे। और फादर, उसने अब ऐसा दोस्त बना लिया है जो दिखाई ही नहीं देता। ओह, एक काल्पनिक दोस्त। क्या ये सच है मैथ्यू? मैं तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम यूसुफ है। वाह, क्या तुम जानते हो बाइबल में यूसुफ के बारे में कहानी है जो अपने सपनों को समझाता था? सच में उसका नाम यूसुफ था? हाँ, उसका नाम यूसुफ था। वो याकूब का पुत्र था। क्या वो याकूब का पुत्र है जिसे इज़राइल कहते थे? सही है लूसी, मुझे लगता है कल की कहानी तुम्हें पता है। फादर, क्या यूसुफ सच में सपनों का अर्थ समझाता था? हाँ बच्चों, क्या तुम्हें ये कहानी सुनना है? यस फादर। ठीक है बच्चों, बैठ जाओ। यूसुफ याकूब की प्रिय पत्नी राहेल का पहला पुत्र था। बेन्यामीन को जन्म देने के बाद राहेल नहीं रही। याकूब यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसके कारण उसके भाई उससे जलन रखते थे। ओह, ये कठिन है। ओह, आज बहुत गर्मी है। उफ, और अभी तक दोपहर भी नहीं हुई है। हाँ, गर्मी बढ़ रही है और हमारी फसल मुरझा रही है। खड़े रहकर बात मत करो, इसे शाम तक पूरा करना है। कर सकते हैं अगर पिताजी का वो प्रिय हमारी सहायता करे। हेलो भाइयों, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, पिताजी ने कार्य की प्रगति देखने भेजा है तो मैं यहाँ आया। ओ, पिताजी का प्रिय हमारा कार्य देखने आया है। क्या भाई, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोड़ो मुझे। पिताजी चाहते हैं शाम तक ये कार्य हो जाए। हम इस काम को खत्म कर सकते हैं यदि तुम सहायता करो तो। मैं रुक नहीं सकता, मुझे और भी दूसरी जगह जाना है मेरे भाइयों। ये सबसे छोटा है, ये हमें हुकुम कैसे दे सकता है? और यह हो गया। क्या ये मेरे लिए है पिताजी? नहीं बेटे, ये तुम्हारे भाई के लिए है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। ये उसके लिए उपहार है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या आप मुझे भी देंगे? हाँ, जरूर मेरे बेटे, मैं एक तुम्हें भी दूंगा जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाएगा। मुझे नहीं पता उनको क्या परेशानी है। वाह, ये कितना सुंदर है। क्या तुम्हें ये पसंद है बेटे? ये बहुत सुंदर है। ये बहुत सुंदर है, तुम्हारे 17 साल के होने का उपहार है। ओह, धन्यवाद पिताजी। क्या है ये? हैं? क्या? यूसुफ के कोट को देखो मूर्खों। वाह, हमारे पिताजी ने ही उसे दिया होगा। क्या हम यहाँ नौकरों की तरह कार्य करने के लिए हैं? अरे सुनो, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। चुप रहो, हमें तुम्हारे सपने से कोई मतलब नहीं। चुप रहो तुम लोग। यूसुफ, तुम्हारे सपने के बारे में मुझे बताओ। मैंने देखा
हम लोग एक साथ खेत पर गेहूं के पुले बांध रहे थे। और मैंने देखा तुम सबके पुले मेरे पुले को प्रणाम करने लगे। तुम्हारा मतलब है कि हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं? तो तुम हम पर राज करना चाहते हो हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारा मतलब क्या है? हम तुम्हें अपना राजा नहीं बनने देंगे। हाँ ठीक है इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें एक दूसरा स्वप्न सुनाता हूँ। क्या तुमने उड़ते हुए ऊँट की सवारी की है? और तुम हवा में उड़ रहे हो। मैं तुम्हें इतनी जोर की लात मारूंगा कि उड़ना भूल जाओगे। हो सकता है पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शांत रहो यूसुफ। ठीक है, मैंने देखा मैं सपने में पहाड़ पर चढ़ा। मैंने ऊपर देखा कि सूर्य, चंद्र और 11 तारे सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये पागल है। पर पिताजी, आप यूसुफ के सपनों को इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? तुम थोड़ा धैर्य धरो यूसुफ, ये ईश्वर की ओर से है, तुम तो बस अपना स्वप्न सुनाओ। हाँ हाँ, बहुत हुआ, आप इसे हमेशा बढ़ावा देते हैं, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। इसको तो मैं सुनो, इधर आओ यूसुफ, शिखेम जाकर देखो तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं। जी पिताजी। यूसुफ, यात्रा बहुत लंबी है, तुम कल सुबह ही निकल जाना। हाँ पिताजी, मैं कल सुबह ही निकलूंगा। बहुत अच्छे, 12 दिन में तुम्हें वापस लौटना है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। चिंता मत करिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। पिता की बात मान यूसुफ शिखेम के लिए निकला। कई दिन चलने के पश्चात वो वहां पहुंचा जहां उसके भाई काम कर रहे थे। वो देखो, वो कौन आ रहा है? वो स्वप्न देखने वाला, हम उसके आगे क्यों झुके? ये हमारे पिता का जासूस है, मैं इसकी हड्डी तोड़ दूंगा। मैं आज इसको मारकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा, देखना तुम। भाइयों सुनो, हम इसको इस खाली कुएं में फेंक देते हैं, कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। नहीं, हम हमारे भाई की हत्या नहीं कर सकते। हम उसे नहीं मारेंगे। चुप रहो, वो आ रहा है। आ, छोड़ो मुझे। आओ तुम्हारा कोट देखें जो पिताजी ने मिस्र से बुलवाया है। छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हम पे राज करना चाहते हो? पकड़ो, छोड़ो इसे। मुझे। चुप रहो, छोड़ो मुझे। रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ, ये हमारा भाई है, भाई। रुको, नहीं। सीधे रहो, सीधे रहो। कृपा कर छोड़ दो मुझे। अब तुम्हारा सपना बताओ। चलो अब इसे फेंक दें। चलो ये तो हो गया। भाइयों मुझे बचाओ। अरे वो देखो, कुछ व्यापारी यहीं आ रहे हैं। बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे भाइयों। मुझे लगता है उन्होंने यूसुफ की आवाज सुनी है। हम अपने भाई को व्यापारियों को बेच देते हैं, हम उसे मारने से भी बच जाएंगे और पैसे भी मिलेंगे। ये बढ़िया विचार है। चलो रस्सी फेंको और उसे कुएं से बाहर निकालो। भाइयों ने यूसुफ को मिदियानी व्यापारी को 20 सिक्कों में बेच दिया और वे उसे मिस्र देश ले गए। भाइयों कृपा कर उन्हें मुझे नहीं ले जाने दो। रोना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना ये लाठी से तुम्हें मैं। पर हमने ऐसा क्यों किया? हमें हमारे भाई को नहीं बेचना चाहिए था, ये हमने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं,
उसे मारने से बेहतर था कि वो जिंदा रहे, समझे? परंतु हम घर जाकर पिताजी को क्या कहेंगे? सुनो सब लोग, मैं यूसुफ के कोट को बकरे के खून में डुबा कर लेकर आता हूँ। हाँ आहा, बहुत बढ़िया। चलते चलते कोई कहानी सोच लेंगे और पिताजी को सुना देंगे। चलो, जो हुआ कम से कम वो जिंदा तो रहेगा, हे ईश्वर उसकी मदद करना। यूसुफ के भाइयों ने बकरे के खून में यूसुफ का कुर्ता डुबोया और अपने पिताजी के पास ले गए। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जंगली जानवर ने इसको मार दिया। ये क्या हुआ? ओ मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। एक महीने बाद वो उसको लेकर मिस्र में ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों को बेच दिया जाता था। 50 चांदी के सिक्के, 130 सिक्के, 300 चांदी के सिक्के। 300 चांदी के सिक्के किसने कहा? सामने आओ। ये मैं हूं। 300, कोई और है? 301, 302, 303, कोई नहीं है। ये आपका हुआ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम यूसुफ है स्वामी। यूसुफ ने पोतीफर अंगरक्षकों के अध्यक्ष को कहानी बताई। पोतीफर ने पहले खेत का कार्य दिया। यूसुफ मेहनती था और उसकी पदोन्नति हुई। कई साल हो गए, ईश्वर ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और ईश्वर सब काम सिद्ध कर देते थे। यूसुफ, इस साल खूब अच्छी फसल हुई है। पड़ोसियों को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ईश्वर ने हमें दोगुना दिया है, समझे? धन्यवाद स्वामी, ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी संपत्ति के प्रबंधक हो। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। जाओ और खूब मन लगा कर काम करो। धन्यवाद स्वामी।